स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी, किस तरह से वो सस्पेंड होती गई, कि पाकिस्तान वो मुल्क जो 1947 में बना है, सेम जब 1947 में इंडिया बना है उसी वक्त बना है, लेकिन इंडिया अपना पहला आइन देते 1950 में, लेकिन हम 1956 तक अपना कोई आइन देने में नाकाम रहते हैं और हमारा पहला आइन जो है वो 1956 में दिया जाता है। तो क्या ऐसी वजूहत थी कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इतने बिजी थे कि उनके पास इतना वक्त नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बेस पर हमारा मुल्क चलाया जाएगा वो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते? तो क्या कभी कोई असेंबलीज नहीं बनी, या कोई असेंबलीज बनी थी और पॉलिटिकल क्याउस की वजह से वो सस्पेंड होती गई? ये सारी चीजें हम देखते हैं। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी थी, पहली 1947 से लेकर 1954 तक बनी थी, दूसरी 1955 से लेकर 1956 तक बनी थी, और जो तीसरी है वो 1972-73 में बनी थी। अब जो पहली सबसे पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, पाकिस्तान बनने के ठीक 4 दिन पहले 10 अगस्त 1947 को उनकी मीटिंग होती है। ये जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 1947 से 54 तक, ये हम देखते हैं बगैर कोई आइन दिए गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद 24 अक्टूबर 1954 को इस असेंबली को सस्पेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद 55-56 में दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है और वो सक्सेसफुली 1956 का आइन देकर जो है वो सस्पेंड हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ कोशिशें, और फिर जो तीसरी है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देके तो तब जो है वो सस्पेंड होती है। अच्छा, सबसे पहले 1949 में एक कोशिश की गई जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से हम उसे जानते हैं। इसमें क्या था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी गई कि उसमें जो है किस तरह इस्लामिक स्टेट होगी, क्या जो है सूरते हाल होंगी, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा पाकिस्तान का उसमें क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स के इंक्लूड होने चाहिए। तो ये तमाम ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उन्होंने, तमाम मेंबर्स ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, सवाए मियां इफ्तखारुद्दीन के, इन्होंने जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी इसे कबूल नहीं किया। फिर लियाकत अली खान वो जो थे वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनती है, उसके चेयरमैन बनते हैं। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी अपनी जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 28 सितंबर 1950 को देती है। उसके मुताबिक दो हाउसेज होंगे, एक हाउस ऑफ यूनिट्स होगा जो कि अपर हाउस होगा, एक हाउस ऑफ पीपल होगा जो कि लॉयर हाउस होगा, ठीक है, और हेड ऑफ स्टेट जो है वो दोनों हाउसेस जो है इलेक्ट करेंगे 5 साल के लिए। इसके अलावा उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। अब देखिए, क्या सिर्फ उर्दू बोलने वाले लोग थे उस वक्त पाकिस्तान में? क्या सिर्फ पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान हिस्सा था? नहीं, ईस्ट पाकिस्तान भी तो था, जहां पे मेजोरिटी लोग जो थे वो बंगाली जुबान बोलने वाले थे, तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। फिर इससे थोड़ा सा बंगाल पंजाब क्राइसिस जो थे वो बहुत इंक्रीज हो गए। फिर दूसरा ड्राफ्ट बनता है 22 दिसंबर 1952 को, उसके मुताबिक अब ये जो है कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है, तलाफी करने की कोशिश की जाती है ईस्ट पाकिस्तान से। एक अपर हाउस होता है जिसमें 120 सीट्स होती हैं, 60 ईस्ट पाकिस्तान के पास, 60 वेस्ट पाकिस्तान के पास। लोअर हाउस होगा जिसमें 400 सीटें होंगी, 200 ईस्ट पाकिस्तान के पास, 200 वेस्ट पाकिस्तान के पास। तीसरा ड्राफ्ट वो भी कामयाब नहीं होता, बंगाल पंजाब, बंगाल या ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान क्राइसिस मजीद एग्जेसरबेट हो जाते हैं। थर्ड ड्राफ्ट 7 अक्टूबर 1953 में बनता है जिसे हम मोहम्मद अली फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसके मुताबिक अपर हाउस होगा 50, जिसे वो जो 5 यूनिट्स है उनके दरमियान डिवाइड किया जाएगा, 4 प्रोविंसेस और 5वां ईस्ट पाकिस्तान। लॉयर हाउस होगा उसमें 300 सीट्स होंगी, 175 जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के पास जाएंगी, 175 जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के पास जाएंगी। फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1955 में बनती है, उसमें 80 मेंबर्स होती हैं। ये सारी कोशिशें हैं जो एक आइन देने से पहले पाकिस्तान में थी। अगर आपको याद हो हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाला लेक्चर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाला था, तो उसमें भी हमें नजर आता है कि लियाकत अली की वफात से लेकर 1958 तक, जब तक जो है
मार्शल लॉ नहीं लग जाता, अयूब जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मार्शल लॉ नहीं लगाते थे। इस दौरान क्या सूरत हाल रही, कितने वजीर आजम सस्पेंड किए गए, कुछ पर्सनल वजूहात की बिना पर, कुछ वैसे सिकंदर मिर्जा को जब फील होता था कि ये प्राइम मिनिस्टर मेरे अंडर सही काम नहीं कर सकता तो वो जो था उसे रिजाइन करने पर मजबूर कर देते थे या सस्पेंड कर देते थे। तो ये जब पॉलिटिकल क्याउस इतना ज्यादा हो तो ये लीड करता है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, फिर हमारा हम नाकाम रहे अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन देने में। 23 मार्च 1956 को 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की तारीख का पहला जो आइन है वो सिकंदर मिर्जा देते हैं। इसमें 234 आर्टिकल, 13 पार्ट्स और 6 स्केड्यूल होते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसमें इंक्लूड होती है। इसमें फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है, यानी एक जो होता है वो सेंटर होता है, एक प्रोविंशियल, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के अंदर होते हैं, कुछ जो है वो प्रोविंसेस के अंडर होते हैं, फिर एक फेडरल लिस्ट होती है, एक प्रोविंशियल लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। फेडरल लिस्ट सारे के सारे, जैसे डिफेंस का महकमा है, जैसे लोन्स वगैरह लेने का महकमा है, जैसे आईआर है, यानी किस तरह से आपने फेडरल लेवल पर, स्टेट लेवल पर बाकियों से आपने जो है वो रिलेशंस रखे हैं। फिर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो प्रोविंसेस को दे दिए गए और कुछ जो दोनों के पास ही थे उन्हें कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, और उसमें भी जो ज्यादा से होगी अगर किसी मौके पर इख्तलाफ आ जाता है तो वो फेडरल की मानी जाएगी। जुडिशरी को फ्रीडम दी गई, इसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रीडम टू प्रोफेस ऑन रिलीजन दी गई 7 अक्टूबर 1958 को। और इसमें जो सिस्टम होता है, इसमें पार्लियामेंट्री, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। फिर जो है 7 अक्टूबर 1958 को प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा जो है खुद ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एब्रोगेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं और अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं। और यही अयूब खान जिन्हें सिकंदर मिर्जा जो है, हमने उसमें पढ़ा था कि वो जब इसे लगता है कि अयूब खान को हटाना चाहते हैं अहदे से, अयूब खान ही क्या करते हैं, वो सिकंदर मिर्जा को एग्जाइल कर देते हैं, टिट फॉर टैट। तो ये सिचुएशन रही हमारे पहले आइन में। दूसरा आइन 1962 का आइन था, उसमें ये अयूब खान ने दिया 8 जून 1962 को। अयूब खान चूंकि एक डिक्टेटर था, एक प्रेसिडेंट था, तो उसने जो आइन बनाया वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का था। मैक्सिमम पावर प्रेसिडेंट्स को दी गई। 250 इसमें आर्टिकल्स थे, 3 स्केड्यूल थे, ये जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी इसमें भी। फिर दूसरा जो मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 को लगता है, जनरल यहिया खान जो है इसे लगाते हैं, और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एब्रोगेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो इसे ड्राफ्ट करते हैं, पार्लियामेंट 10 अप्रैल 1973 को इसे अप्रूव करती है और ये 14 अगस्त 1973 को रेटिफाई होता है। 280 आर्टिकल्स हैं इसमें, 12 चैप्टर और 6 स्केड्यूल्स हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसमें जो थी सिटीजन्स को लाइफ की राइट्स दिए गए, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, ये सारी जो पावर्स थी वो दी गई। अब थोड़ा सा कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं इन दो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, ये प्रोमुलगेट होता है 23 मार्च 1956 को, सिकंदर मिर्जा इसे प्रोमुलगेट करते हैं। 1962 वाला 8 जून 1962 को अयूब करते हैं, और 1973 वाला 14 अगस्त 1973 को जुल्फिकार अली भुट्टो जो है इसे प्रोमुलगेट करते हैं। एब्रोगेशन 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और जो अयूब खान है उसे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देते हैं। अगला जो है वो 25 मार्च 1969 को एब्रोगेट होता है, यहिया खान करते हैं, वो मार्शल लॉ लगा देते हैं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिस्ट्री में 2 बार एब्रोगेट हुआ है। एक बार 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक, जब उसने मार्शल लॉ लगाया, दूसरी बार 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने, लेकिन स्टिल ये इनएक्टेड है, ठीक है, 2 बार एब्रोगेट हो गए, अभी भी 1973 का आइन जो है वही जो है वो इनएक्टेड है पाकिस्तान में। फिर इसमें 234 आर्टिकल्स और 6 स्केड्यूल्स हैं, इसमें 62 वाले में 250 आर्टिकल्स और 3 स्केड्यूल्स हैं, ये 1973 वाले में 280 आर्टिकल्स, 12 चैप्टर, 6 स्केड्यूल्स हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो 1956 वाला उसमें पार्लियामेंट्री थी, 73 वाले में पार्लियामेंट्री है, और 62 वाला चूंकि एक डिक्टेटर ने, मिलिट्री मैन ने दिया था, तो ये जो है ये
प्रेसिडेंशियल है। फिर ये लेजिस्लेटर इसमें जो था वो यूनिकैमरल था, सिर्फ नेशनल असेंबली थी, 1962 में भी सिर्फ नेशनल असेंबली थी, 1973 में बाइकैमरल यानी कि नेशनल असेंबली प्लस सेनेट दो हाउस आ गए, ठीक है। फिर लैंग्वेज इसमें उर्दू और बंगाली दोनों थी, इसमें भी उर्दू और बंगाली थी। इसमें चूंकि सिर्फ जो था वेस्ट पाकिस्तान रह गया था, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो सेपरेट हो चुका था 73 में, क्या ये आईन, और 71 में वो सेपरेट हो चुका है, तो सिर्फ उर्दू ही जो थी वो नेशनल लैंग्वेज रखते गई। इसमें 1956 के आईन में हमें रिगार्डिंग मुस्लिम्स कोई प्रोविजन नहीं मिलती, इस्लाम की तारीफ, मुसलमान की तारीफ हमें 62 में भी नहीं मिलती, लेकिन 73 का जो आईन है उसमें हमें मुसलमान की तारीफ भी मिलती है। एक अमेंडमेंट के तहत कादियानी को नॉन मुस्लिम्स भी डिक्लेयर किया जाता है। इस्लाम का जिक्र हमें ना 1956 में मिलता है ना 1962 में मिलता है, लेकिन 1973 में मिलता है जब इस्लाम को एक स्टेट रिलीजन के तौर पर जो है वो लिया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है मिनिमम प्रेजिडेंट की वो 40 ईयर्स है, इसमें 35 ईयर, इसमें भी 45 ईयर्स। कंट्री का नेम अकॉर्डिंग टू 1956 साइन जो है ये इस्लामिक रिपब्लिक होगा। इसके मुताबिक पहले जो था सिर्फ इस्लामिक मिटा दिया गया 62 में, सिर्फ रिपब्लिक रहने दिया गया, लेकिन जब जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह हुए इसके खिलाफ तो दोबारा से इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। 1973 का भी यही नाम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन मेथड इसमें डायरेक्ट होंगे, इसमें बेसिक डेमोक्रेसी थी कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसी के लोग जो है वो वोट दे के इलेक्ट करेंगे, इसमें भी डायरेक्ट है। 1956 और 73 के जो आईन है चूंकि ये पार्लियामेंट्री थे तो इनमें प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं थी, रीजनेबल पावर्स थी, लेकिन 62 का चूंकि आईन ही प्रेसिडेंशियल था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट्स को बहुत सारी पावर्स दे दी गई। इसमें तीन सब्जेक्ट है, फेडरल प्रोविंशियल कंक्रेंट, इसमें दो थे सेंट्रल और प्रोविंशियल, इसमें फिर तीन है फेडरल कंक्रेंट और रेजिडुअरी सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, अभी हमने बस तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का ओवरव्यू किया है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई मसला हो तो आप पूछ लें, यहां तक समझ आ गई बच्चों? ठीक है, अच्छा, अब आपके साथ स्क्रीन शेयर होना शुरू हो चुकी होगी। अब जो है, अब हमारे जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, पहले हम ये देखते हैं कौन कौन सी अमेंडमेंट है उसमें, किसने दी, कब वो जो थी पेश हुई, कब वो हुई और उसके इनेक्टेड कब हुई, और कब जो उसमें मेन बात क्या की गई थी, ये अब हम जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो पहली अमेंडमेंट है ये करते हैं जुल्फकार अली भुट्टो 4 मई 1974 को। इसकी जो मेन बात थी ये थी कि इससे पहले 1973 के आईन में ईस्ट पाकिस्तान का रेफरेंस शामिल था, बिकॉज पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया था कि हमारा एक हिस्सा हमसे अलग हो चुका है, लेकिन पहली अमेंडमेंट के तहत ये जो था, पहली अमेंडमेंट के तहत ये रिमूव कर दिया गया ईस्ट पाकिस्तान का रेफरेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड अमेंडमेंट भी जुल्फकार अली भुट्टो ने दी 17 सितंबर 1974 को। इसकी मेन बात ये थी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू उसके भी हवाले से कि इसमें कादियानी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया और जो थी असम्बलीज में उनके लिए सीट जो थी वो रिजर्व कर दी गई। थर्ड अमेंडमेंट अगेन जुल्फकार अली भुट्टो देते हैं 13 फरवरी 1975 में। इसमें क्या किया गया, इसमें जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव मतलब आपके जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जिसमें आते हैं, तो उसे ऑथराइज कर दिया गया कि अगर कोई इंसान की एक्टिविटीज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है तो एग्जेक्टिव जो है वो उसे अरेस्ट कर सकती है, एग्जेक्टिव जो है उसे डिटेन कर सकती है, ठीक है। चौथी अमेंडमेंट जो है वो अगेन जुल्फकार अली भुट्टो देते हैं 21 नवंबर 1975 को। इसमें मेन बात ये थी कि इसमें ये कहा गया, इसमें फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट थी वो की गई, बातें की गई कि फंडामेंटल राइट्स होंगे वो कुछ सिचुएशन में ये ऑप्शन है कि वो कर्व किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए एडिशनल सीट्स दी गई चौथी अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, एडिशनल सीट्स फॉर माइनॉरिटीज।
फिर फिफ्थ आते हैं, इनमें मैं आपको सिर्फ मेन मेन बताऊंगी, बाकी मैं आपके साथ नोट्स की पिक्चर शेयर करूंगी, कुछ जो इससे ज्यादा है वो बातें उसमें भी लिखी हुई है, लेकिन मेन यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिफ्थ अमेंडमेंट अगेन जुल्फकार अली भुट्टो, आप देख रहे हैं आपके एक जो है शख्स, एक जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो कितनी अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं एक आइन में, और ये हम आगे क्राइसिस में भी पढ़ेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की भी एक वजह है। तो ये पांचवी भी जुल्फकार अली भुट्टो देते हैं, कब देते हैं, सितंबर 16, 16 सितंबर 1976 को। अच्छा, इसका मेन मकसद क्या होता है, सिविल ऑटोक्रेसी। अच्छा, ये जो अफजल अफकार अली भुट्टो है, चूंकि उससे पहले एक डिक्टेटर मिलिट्री मैन गुजर चुके होते हैं, तो इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो पावर्स हैं वो सिविलियन जो हुकूमत है उन्हें दी जाए। तो ये फिफ्थ अमेंडमेंट में ये सिविल ऑटोक्रेसी करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पावर्स हैं वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जाए। ठीक है, फिर सिक्स अमेंडमेंट अगेन जुल्फकार अली भुट्टो, डेट इनेक्टमेंट डेट है इसकी 13 दिसंबर 1976। इसमें चार आर्टिकल्स अमेंड किए जाते हैं। होता क्या है, इसमें जो है जो जुडिशरी है, कर्ब्स ऑन जुडिशरी पर मजीद कर्ब्स लगा दी जाती है, मजीद जो है उनपे लिमिटेशंस लगा दी जाती है। सुप्रीम को इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी उम्र कर दी जाती है, रिटायर्ड जो एज है वो 65 ईयर, और जो हाई कोर्ट का जज है उसकी एज मुकर्रर कर दी जाती है 62 ईयर्स। ठीक है, सिक्स्थ अमेंडमेंट के तहत। फिर हमारे पास आ जाती है सेवेंथ अमेंडमेंट। जब भी आपको कोई मसला हो आप ये चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है सेवेंथ अमेंडमेंट। अब सेवेंथ अमेंडमेंट कौन देते हैं, अगेन जुल्फकार अली भुट्टो। इनेक्टमेंट डेट है इसकी 16 मई 1977। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या होता है, इसकी जो मेन बात है, इसमें पावर ऑफ रेफरेंडम दी जाती है। किसे दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर को, कि वो अपनी पॉपुलैरिटी चेक करने के लिए लोगों में रेफरेंडम करा सकते हैं कि कितने, यानी जिसे हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो पीएम जो है, पावर ऑफ रेफरेंडम टू पीएम दी गई इस अमेंडमेंट के तहत, कि पीएम अगर अपनी पॉपुलैरिटी चेक करना चाहते हैं ना कि मैं लोगों में आया कि अभी पॉपुलर हूं या नहीं हूं, तो वो एक रेफरेंडम की उसके पास पावर है कि वो सेवंथ अमेंडमेंट के तहत रेफरेंडम करा के अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एट्थ अमेंडमेंट हमें देते हैं हमारे जो एक मिलिट्री मैन थे जियाउल हक, बहुत कंट्रोवर्शियल ये अमेंडमेंट थी। इनेक्टमेंट डेट है इसकी 11 नवंबर 1985। अच्छा, इसमें जो सबसे एक मजे की बात होती है वो ये है कि इसमें प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वाज एम्पावर्ड टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें जो है प्रेसिडेंट को पावर दे दी जाती है कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, और हिस्ट्री में ये पावर जो है चार मरतबा इस्तेमाल की गई है। मैं यहीं पे लिख देती हूँ ताकि ये आप जहन में रखें, ये जो पावर है यानी प्रेसिडेंट की, ये हम आगे आगे देखते हैं कि इसका रिवर्सल भी हुआ है, तो ये पावर कभी कर्व भी हुई है, अब क्या सूरत हाल है ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो पावर है कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की, ये हिस्ट्री में जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने चार मर्तबा इस्तेमाल की है। एक बारी जिया ने जुनेजो के खिलाफ, यानी जुनेजो प्राइम मिनिस्टर था 1988 में, उन्हें उनकी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया। दूसरी बार जो गुलाम इसहाक थे उन्होंने बेनजीर की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया 1990 में। फिर जो है इसके बाद फारूक लगारी जो है, फारूक लगारी
इन्होंने एक बारी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया 1993 में, और इन्होंने ही फिर दोबारा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया 1996 में। तो टोटल पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो प्रेसिडेंट की पावर है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की, ये कितनी मरतबा इस्तेमाल की गई है? टोटल 4 मरतबा इस्तेमाल की गई है। फिर हमारे पास आ जाती है अगली अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट। इसमें देखते हैं ये किसने दी थी, ये जो नौवीं अमेंडमेंट है। अच्छा, ये जो थी इसमें क्या हुआ था कि ये 1986 में ये इसे सेनेट ने पास कर दिया था। में से सेनेट ने पास कर दिया था और नेशनल असेंबली में इसने रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन रिपोर्ट जो थी वो प्रेजेंट होने से पहले ही असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और बिल जो था वो एक्ट बना ही नहीं, यानी कबूल ही नहीं हुआ। तो ये जो है ये अप्रूव नहीं हुई। ये किस चीज से रिलेटेड थी? ये थी बिल टू इम्पोज शरिया लॉज, बिल टू इम्पोज शरिया लॉ एज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, ये इसमें ये बात की गई थी कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में शरीयत को, शरिया के कानून को सुप्रीम अथॉरिटी हासिल होनी चाहिए, लेकिन 9th अमेंडमेंट जो है ये सेनेट ने तो पास कर दी थी, लेकिन जब उसे अमेंडमेंट को जो है इस बिल को जो है आगे फॉरवर्ड किया नेशनल असेंबली ने, लेकिन नेशनल असेंबली ने इसे कबूल करने से पहले ही जो नेशनल असेंबली है वो डिसॉल्व कर दी गई, तो ये बिल जो है ये अप्रूव ही नहीं हुआ, यानी कि अप्रूव होके एक्ट बना ही नहीं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आ जाती है हमारे पास, 10वीं अमेंडमेंट, 10th अमेंडमेंट। अच्छा, ये इनेक्ट, इसकी जो डेट है वो है 29 मार्च 1986। इसमें क्या किया, इसमें जो है वर्किंग डेज कर्टेल किए गए, कर्टेल्ड वर्किंग डेज, यानी पहले जो थे नेशनल असेंबली के जो वर्किंग डेज थे पहले 160 थे, लेकिन अब कितने कर दिए गए, 130 कर दिए गए। ठीक है, कि वर्किंग डेज नेशनल असेंबली जो है वो 130 दिन में, एक साल में जो है करेगी। ठीक है, अच्छा, फिर जो है अगली अमेंडमेंट आती है, दैट इज 11th अमेंडमेंट। 11th अमेंडमेंट जो है ये भी अमेंडमेंट अप्रूव नहीं हुई, नॉट अप्रूव्ड। ये किस बारे में थी? इसमें जो थी, इसका जो रेशनल था वो ये था कि जो वेमेन की रिजर्व्ड सीट्स हैं उनको रिवीजन की जाए, रिवीजन ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर वेमेन इन नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, वेमेन की जो सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, उनको रिवाइज किया जाए, उन्हें इंक्रीज किया जाए। ये जो थी सेनेट में इंट्रोड्यूस करवाएगी 31 दिसंबर 1989 को, मोहम्मद अली खान ने, डॉक्टर नूर जहां ने और फसी इकबाल ने करवाई थी, लेकिन 23 अगस्त 1992 को उन्होंने खुद ही ये भी ड्रॉ कर ली, जब उनके साथ मिनिस्टर फॉर लॉ और जस्टिस जो था उन्होंने ये एश्योरिटी दी कि वो ऐसे इससे मिलता जुलता एक बिल जल्द ही जो है वो पेश करेंगे, तो फिर उन्होंने खुद ही इससे विदड्रॉ कर लिया। जो 12वीं अमेंडमेंट है इसकी इनेक्टमेंट डेट है जुलाई 28, 1991। ठीक है, ये इसकी जो है इनेक्टमेंट डेट है। इसमें क्या किया गया, इसका इसकी मेन बात ये है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ हीनियस क्राइम्स।
हीनियस ऑफेंसेस, यानी अगर कोई हीनियस ऑफेंस होते हैं ना, जैसे कोई जो है रेप वगैरह या इस तरह का कोई हीनियस कोई घिनौना होता है, तो उसके उसमें ये इसके उस केस में ये इजाजत है कि स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो ट्रायल के लिए इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास 13th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट जो है ये पेश करते हैं नवाज शरीफ। इनेक्टमेंट डेट है इसकी 1 अप्रैल 1997। ठीक है, इसमें अब ये जो है ये रिवर्सल है 8th अमेंडमेंट का, रिवर्सल ऑफ 8th अमेंडमेंट। बात समझ में आई? यानी कि जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई थी ना 8th अमेंडमेंट में कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसमें प्रेसिडेंट से ये पावर खींच ली गई। ठीक है, ये जो है रिवर्सल ऑफ 8th अमेंडमेंट है, और दोबारा से इसमें स्ट्रेंथन किया गया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट्री जो है वो सुप्रीमेसी इसमें जो है वो दोबारा से आ गई। फिर आती है हमारे पास 14th अमेंडमेंट। 14th अमेंडमेंट जो है ये नवाज शरीफ देते हैं। इनेक्टमेंट डेट है इसकी 3 जुलाई 1997। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एडिशन की जाती है, एडिशन ऑफ आर्टिकल 63A। ठीक है, 63 आर्टिकल ए आर्टिकल जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, इसे ऐड किया जाता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका पता है इस आर्टिकल का क्या मकसद होता है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अपनी पार्टी के अलावा किसी पार्टी को वोट करें तो उन्हें जो है डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है, ये आर्टिकल ये कहता है। यानी अगर कोई पीटीआई का बंदा है वो पीएमएलएन वो पीटीआई को अपोज करते हुए किसी और को वोट कर रहे तो उसे जो है डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63A। पिछले दिनों जो था ये बड़ा फेमस हुआ हुआ था। और जो था फिर इसकी मेन बात इसमें यही इसी क्लॉज को डिफेक्शन क्लॉज भी कहते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि किस जो था कौन से आर्टिकल में या कौन सी अमेंडमेंट के तहत डिफेक्शन क्लॉज जो है ये पाकिस्तान के आईन में इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो वो 14वीं अमेंडमेंट के तहत ये जो डिफेक्शन क्लॉज है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है 15th अमेंडमेंट। 15th अमेंडमेंट जो है इससे ये देते हैं नवाज शरीफ। इनेक्टमेंट डेट है नॉट अप्रूव्ड, अप्रूव्ड ही नहीं हुई जैसे पिछली दो नहीं हुई। अच्छा, इसे जो है हम शरीयत बिल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसका मकसद ये था कि सुप्रीमेसी ऑफ कुरान एंड सुन्ना, यानी कुरान और सुन्ना जो है उन्हें अवलीन पोजीशन हासिल हो, कुरान और सुन्ना की सुप्रीमेसी हो, इसी वजह से इसे शरीयत बिल भी कहा जाता है। लेकिन ये जो थी अगेन ये अप्रूव नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है अगली अमेंडमेंट जो के 16th अमेंडमेंट है। 16th अमेंडमेंट, अच्छा 16th अमेंडमेंट जो है ये अगेन नवाज शरीफ देते हैं। इनेक्टमेंट डेट है इसकी 5 अगस्त 1999। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है ये है सेफ गार्ड, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। ठीक है, यानी किसी को जो है वो रेशियल बुनियादों पर किसी भी किस्म की सर्विस में जो है किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ जो है वो हिफाजत की जाएगी। ये 16th अमेंडमेंट है। फिर हमारे पास आ जाती है 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट की जो इनेक्टिव डेट है वो थी दिसंबर
2003 में, जिसमें हमें उसका लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मिलता है मुशरफ का, ठीक है, मुशरफ ने ये की थी, मुशरफ के दौर में ये हुई थी, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर हमें मिलता है। इसके अलावा जो है जो मेन बात है वो ये है कि ये रिवर्सल ऑफ 13th अमेंडमेंट है, यानी मतलब क्या हुआ, 13th अमेंडमेंट आपको याद होगा वो रिवर्सल थी 8th अमेंडमेंट की, यानी प्रेसिडेंट से पावर खींच ली गई थी, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की। 13th अमेंडमेंट में अगेन चूंकि मुशरफ जो है एक डिक्टेटर है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा से प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास 17th अमेंडमेंट थी, इसमें जो थी दोबारा से उसे दे दी गई ये पावर। फिर आ जाती है 18th अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, ये इसकी इनेक्टमेंट डेट है अप्रैल 19, 2010। अच्छा, इसमें जो थे 65 आर्टिकल्स अमेंड किए गए थे, 8 नए आर्टिकल्स जो थे वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, आर्टिकल 71 जो है वो इसमें ऑमिट किया गया था। इसमें मेन मेन चीजें ये की गई थी, इसमें जो बलूचिस्तान का नाम है पहले ये था, इस अमेंडमेंट के में उसे तब्दील करके ये कर दिया, ठीक है, इसी तरह पहले ये था फिर ये हो गया। पहले जो था NWFP था, इस अमेंडमेंट के तहत उसे KPK बुलाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो थी, इसमें जो मेन बात थी ये अब रिवर्सल है 17th अमेंडमेंट का, यानी दोबारा से प्रेसिडेंट से पावर खींच ली गई नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने, ठीक है, जो चीफ अथॉरिटी की जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई। इसके अलावा जिया का जो नाम था वो भी था कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, कानून का, आईन का हिस्सा था, तो इन्होंने क्या किया, नेम ऑफ जिया जो है वॉज रिमूव फ्रॉम टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिया का नाम जो है वो मिटा दिया गया। फिर जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, रेस्ट्रिक्शन थी कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है, पहले ये था कि वो मैक्सिमम 2 टाइम्स जो है वो बन सकते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन उठा ली गई कि वो अब जितनी भी 2 से ज्यादा बार भी जो है अब वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के बन सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 18th अमेंडमेंट थी। अगली अमेंडमेंट आ जाती है 19th अमेंडमेंट, नाइनटीन्थ अमेंडमेंट जो है इसकी इनेक्टमेंट डेट है 1 जनवरी 2011। इसकी मेन बात क्या थी कि इसमें सीनियर जजेस को जो है वो अपॉइंट किया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर जजेस, फिर हाई कोर्ट जो है, पहले हाई कोर्ट का नाम था हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद था पहले नाम, ये इसका नाम तब्दील करके रख दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है इन कैमरा कमेटी मीटिंग जो थी वो इसमें अलाउ कर दी गई, इन कैमरा कमेटी मीटिंग्स के जो कमेटी की मीटिंग्स होगी वो इन कैमरा हो सकती हैं। फिर आ जाती है हमारे पास 20th अमेंडमेंट, इसकी इनेक्टमेंट डेट है 28 फरवरी 2012। इसमें जो थे, इसकी जो मेन बात थी वो ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, उसे फ्री बनाया जाए और उसे जो है फेयर बनाया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, ये इसमें मेन बात थी। और इसके अलावा इसमें जो है केयर टेकर किस तरह का चूज करना है उस बारे में भी बताया गया, चूजिंग केयर टेकर के जो है, केयर टेकर को चूज करने के लिए दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, जो करंट प्राइम मिनिस्टर होगा और जो आपका अपोजिशन लीडर होगा, वो दोनों कंसल्टेशन करके फिर जो है प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है।
हमारे पास आ जाती है 21st अमेंडमेंट। इसमें कोई ऐसे नोटेबल काम नहीं हुआ, ये हुई थी 2015 में। ठीक है, अगली अमेंडमेंट आ जाती है 22nd अमेंडमेंट। 22nd अमेंडमेंट जो है, इसकी एनेक्टमेंट डेट है 8 जनवरी 2016। इसमें जो थे 9 आर्टिकल्स अमेंड किए गए, और जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, पावर्स डिप्यूटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है पावर्स दे दी गई। अमेंडमेंट फोर थी 23rd अमेंडमेंट, ये 7 जनवरी 2017 को इनेक्ट हुई। इसमें री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्स फॉर 2 ईयर्स जो थी, ये अलाउ की गई 23rd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, फिर 24th अमेंडमेंट आती है, ये 22 दिसंबर 2017 को जो है वो इनेक्ट होती है। इसमें क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली की सीट्स, जो सीट्स है नेशनल असेंबली की, वो एलोकेट की गई, डिवाइड की गई अमंग 4 प्रोविंसेस, क्वाटा और इस्लामाबाद के दरमियान 24th अमेंडमेंट के तहत। फिर 25वीं अमेंडमेंट आती है 31 मई 2018 को। इसकी जो मेन बात है वो ये है कि इट मर्ज्ड क्वाटा विद केपीके, इसने फाटा को केपीके से मर्ज कर दिया। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वगैरह के हवाले से भी, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत फाटा को केपीके में मर्ज किया गया, तो ये अमेंडमेंट जो है 25th अमेंडमेंट के तहत मर्ज किया गया। तो नोटेबल अभी तक की जो अमेंडमेंट्स हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो यही वाली अमेंडमेंट्स है। 25 अमेंडमेंट जो है इनके सारे हमने रैशनल देख लिए, सारा हमने ये देख लिया कि कब कब जो है क्या मेन फीचर्स रहे, क्यों जो है इनके जो थी ये की गई, इनका क्या पर्पस था, ये सारा कुछ हमने देख लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 18th अमेंडमेंट। हम सुनते हैं कि जी उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बड़ी अहम अमेंडमेंट है। तो अगर वो इतनी, ये पास पेपर का भी क्वेश्चन है कि अगर जो है वो इतनी ही अहम अमेंडमेंट है, तो क्यों क्रिटिसिज्म होती है 18th अमेंडमेंट पे, क्यों अभी तक जो है 18th अमेंडमेंट जो है उस पे क्रिटिसिज्म की जाती है, बजाय इसके कि उसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसे जो है कहा उसमें बहुत सारे नोटेबल काम हमें नजर में आते हैं। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि जो 18th अमेंडमेंट है, इट स्ट्रेंथेंड फेडरेशन, इसने फेडरेशन को तो स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन किया, हमें कोई इस बात से एतराज नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, इसने वीक किया इकोनॉमिकली, इसने इकोनॉमिकली स्टेट को वीक किया, इसने सोशली स्टेट को वीक किया, सोसाइटी को वीक किया, इन्वायरमेंट पर इसने जो थे कोई खास अच्छे असरात नहीं डाले। कौन कौन से, इनको हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली जो है, ये कहा जाता है कि इकोनॉमिकली इसने स्टेट को नेवर एंडिंग क्राइसिस की तरफ धकेल दिया। वो हम देखते हैं कौन सी ऐसे क्राइसिस में, कौन सी ऐसी इकोनॉमी की बात की गई है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो स्टेट है वो नेवर एंडिंग क्राइसिस की तरफ चली गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर सोसाइटल हवाले से, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो इसने इन इक्वालिटी को रेज किया, इससे जो है सोसाइटल डिविजन्स को एग्जासर्बेट किया। अगर इन्वायरमेंटल हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो इसने स्टेट की कैपेसिटी को श्रिंक किया कि स्टेट क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या एक्शन ले सकती है, उसे मजीद जो है वो श्रिंक कर दिया। ठीक है, ये जो थी, ये इन पर क्रिटिसिज्म ही हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है, अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट हम लेंस से, पर्सपेक्टिव से, कि क्या इम्पैक्ट्स हैं हर चीज पर इस 18th अमेंडमेंट, ये जो 18th अमेंडमेंट है इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़े, क्या जो है इसके डिफरेंट चीजों पर असरात पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकली इसने क्या किया, इसे एनालाइज करने की
कोशिश करते हैं तो पॉलिटिक्स में हमें इसके मस्बत असरात मिलते हैं। इसने क्या किया, इसने इंटीग्रेट किया, इट इंटीग्रेटेड फेडरेटिंग यूनिट्स, इसने फेडरेटिंग यूनिट्स को इंटीग्रेट किया, इसने जो फेडरलिज्म का आधार है, जो फेडरेशन है, इसे स्ट्रेंथन किया। इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो एक बड़ा मसला रही है पाकिस्तान में, इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को श्योर किया, श्योरिटी की कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी पाकिस्तान में, सूबों को उनकी पावर दी जाएगी, ठीक है, जो उनको उनकी ड्यू पावर है। इसके अलावा इसने सिवाय क्रिमिनल सब्जेक्ट्स के, यानी क्रिमिनल लॉ के, क्रिमिनल प्रोसीजर्स के या एविडेंस वगैरह के, उसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सारे जो सब्जेक्ट थे वो प्रोविंसेस की तरफ दे दिए, विच वाज अ गुड स्टेप टू आपके लिए स्ट्रेंथन करने के लिए, एक अच्छा ये स्टेप था। इसके अलावा इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए, हमें आर्टिकल मिलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए, दैट इज आर्टिकल 112(2)(b). ये जो था ओमिट किया गया, इसके मुताबिक के जो गवर्नर जो था उसे ये पावर थी कि वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं बगैर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल के। तो इसके तहत ये वाला जो पावर थी गवर्नर से वो कर्व कर ली गई, छीन ली गई, यानी कि ये कहा जाता है कि ये जो 18th अमेंडमेंट है ये एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस था इन इन द केस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके जो पॉलिटिक्स पे असरात थे वो हमें बहुत मस्बत नजर आते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स पे मस्बत असरात थे तो फिर आखिर क्यों क्रिटिसिज्म होती है? वो क्रिटिसिज्म होती है अब अगली बुनियादों पर, जो अब हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या इकोनॉमी पर इसने किस तरह असरात डाले, क्या सारे पॉजिटिव असरात है या कुछ नेगेटिव भी है, अगर नेगेटिव है तो उन क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से। अच्छा, ये इसमें जो ये अमेंडमेंट है इसके बारे में कहा जाता है ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ले आई इकोनॉमी में, स्टेट के मैटर्स में। कुछ का तो कहना है कि 18th अमेंडमेंट ने जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद जो डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन है इसे मजीद एग्जेसरबेट करती है। अच्छा, होता ये है कि इसमें एक कंट्रोवर्शियल जो है इनकलियन की जाती है दो क्लॉजेस की, और वो क्लॉजेस हैं 3A और 3A क्लॉज है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 160 में, ठीक है। आर्टिकल 160 में जो है 3A एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज का, क्लॉज की इनकलियन की गई, ठीक है। जो ये आर्टिकल 160 है बेसिकली ये है जो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन है ना, जो फाइनेंशियल अवार्ड है उससे ये रिलेटेड है। अब आर्टिकल 3A ने क्या किया, इसने कर्व कर दी कि NFC जो है वो प्रोविंसेस को शेयर रिड्यूस नहीं कर सकता। मतलब क्या है इस बात का, मतलब अगर फर्ज कर लें अगर 2011 में प्रोविंसेस को शेयर दिया गया 43%, तो 2012 में या 2013 में, 10 साल बाद होता है, तो ये नहीं होता कि 2013 में जो है अब कम करके 40% प्रोविंसेस को शेयर दे, नहीं, या तो उतना ही रहेगा 2013 में भी 43 ही रहेगा या उससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता। अब ये एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज थी जो इस अमेंडमेंट में ऐड की गई और इसके जो नतीजे थे, अब देखिए अभी जो हमारे अभी जो है 7th NFC अवार्ड है, जो 7th NFC अवार्ड था उसके मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है 42.5% सिर्फ, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास है 57.5% शेयर। तो 57.5% शेयर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास।
अब इस अमेंडमेंट के तहत इंकलियन ऑफ 3A क्लॉज के तहत प्रोविंस 57.5 से कम नहीं उनका शेयर कर सकते। अब देखें, अब इस 42.5% में से बेचारी फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करने, इसने डेट भी देने, इंटरनल डेट भी अदा करने है, कर्जे अदा करने, एक्सटर्नल डेट भी देने है। इसने जो है इंटरेस्ट पे, जो डेट पर इंटरेस्ट है कोई शरा सूद वगैरह, उस पे भी पैसे देने हैं। इसने डिफेंस पे भी खर्च करने हैं पैसे, वो इसी में से करने हैं। हायर एजुकेशन चूंकि इसके अंदर है, फेडरल के अंदर, तो इसने हायर एजुकेशन में भी इसी में से पैसा जो है वो खर्च करना है। ठीक है, अब देखें कि इसने 42, इसके अलावा इसने जो स्टेट लेवल पे कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई जो है गवर्नमेंट का मजीद गवर्नमेंट के कोई एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, सारा इस 42.5% में से ही करना है, क्योंकि इस 3A क्लॉज के तहत जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका हिस्सा 57.5 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, अब जब फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाता है, वो डेट उससे नहीं दे हो रहा, उसे इंटरेस्ट नहीं दे हो रहा, उसे डिफेंस और बाकी महकमों पे नहीं, वो फिर क्या करते हैं, मजबूर हो जाता है कि वो जो लोन देने वाले इदारे हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है या दूसरे कंट्रीज हैं, फिर वो उनके पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये जो 18th पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की 18th अमेंडमेंट है, इसने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को मजीद एग्रेवेट कर दिया, मजीद खराब कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स इसका ये होना चाहिए, इसे रिवाइज किया जाना चाहिए। ये जो है, ये अमेंडमेंट एक फजूल सी अमेंडमेंट है कि आपके फेडरल गवर्नमेंट मजबूर है, और सही है, हम इस बात को मान लें, प्रोविंशियल जो है उसके पास ऑलरेडी कम है, इतना वो नहीं है पावर के वो जो है कम कर सके, लेकिन स्टिल इसने एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि फेडरल गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है जब उसे कर्जे नहीं दिए जा रहे, उसे इंटरेस्ट नहीं दिए जा रहे, उसे डिफेंस पे अखराजात नहीं पूरे हो गए, हायर एजुकेशन, तो कोई ना कोई एक जो दायरे कार है वो रह जाते, तो मजबूर हो जाती है कि अपने अखराजात को पूरा करने के लिए वो फिर जो हम IMF के ट्रैप में फंस जाते हैं, हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, हम दूसरे भीख मांगने पर, बाकी कंट्रीज से पैसे लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये एक इकोनॉमी पर इसका जो था वो इम्पैक्ट था। अब हम देखते हैं कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या जो है इम्पैक्ट, अगेन इसके बारे में कहा जाता है कि इसने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पे कर दी इन्वायरमेंट के राह में भी। ठीक है, 18th अमेंडमेंट में क्या किया गया, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज जो थे वो दे दिए गए प्रोविंसेस को, जबकि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो रही फेडरल के अंदर, वो फेडरल सब्जेक्ट ही रहा। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सब्जेक्ट आप दे रहे हैं ना उसे प्रोविंसेस को, तो होना तो ये चाहिए था कि दोनों एक के पास होते ताकि उनके दरमियान जो कोलैबोरेशन है वो करने में आसानी होती, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो क्लाइमेट चेंज का सब्जेक्ट था वो तो प्रोविंसेस को दे दिया, लेकिन NDMA अपने फेडरल के अंदर रख ली। अब इससे क्या हुआ, अब हम अभी 2022 के फ्लड्स भी देखते हैं, तो इसमें क्या हमें नजर आता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है ये इल्जाम लगा रही है प्रोविंसेस ने नहीं अपना जो इतना उन्हें करना चाहिए था काम वो किया, प्रोविंसेस इल्जाम लगा रहे हैं कि फेडरल ने नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है दोनों अगर फेडरल के अंदर ही हो तो बजाय इसके कि आप एक एक अलहदा प्रोविंस की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं वो उसके मुताबिक चल रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो सारे प्रोविंसेस के अंदर हो वो एक फेडरल सब्जेक्ट के अंदर होते, तो ये आसानी होती कि वो आपस में कोलैबोरेट करके ये जो मिनेंस है इन्वायरमेंट के, क्लाइमेट चेंज है, ये फ्लड वगैरह है जो बाकी हैं, तो उनसे अच्छे से डील कर सकते। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं कि इसके सोसाइटी पर क्या असर हुए, हेल्थ पर भी क्या इसका कोई असर है, वो सारा कुछ देख लेते हैं। अच्छा, अब इस अमेंडमेंट के तहत सब्जेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन वो दे दिए गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ भी, सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन भी,
वो दे दिए गए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। अब हर सूबा अपनी पॉलिसीज लगा रहा है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 आता है, हर प्रोविंस जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज के तहत चल रहे हैं। तो जो बाहर से जो डोनर्स थे, जो WHO था, इवन ये WHO रेज्ड क्वेश्चन अबाउट पॉलिसी कि हमें अगर कोई कोविड आया, इसके बारे में हमें कोई बात करनी हो तो हम किस किस सूबे के पास जाएंगे, हम फेडरल पे जाएंगे, हम किससे कम्युनिकेट करेंगे काउंटर कोविड स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये जो था एक मसला रहा इन्वायरमेंट के हवाले से। इसके अलावा पोलियो में भी अभी तक सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं जिनमें पोलियो अभी तक खत्म नहीं हो सका, एक जी अफगानिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान है। वजह यही है, इफेक्टिव मेजरमेंट्स नहीं है, इफेक्टिव हम कोई कदम नहीं उठाते जिसकी बिना पर बीमारियां जो है वो खत्म की जाए। फिर अगेन जो हेल्थ है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्थ क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अब हेल्थ की जो सूरत हाल है वो पंजाब में भी ठीक है, ऑन एवरेज है, केपी के में भी ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां पे वो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिल रही है लोगों को, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो ऐसी किसी भी मेडिकल फैसिलिटी से महरूम है। तो अगर हेल्थ बजाय इसके कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ जो है वो फेडरल सब्जेक्ट होता तो शायद इतने मसाइल का सामना ना करना पड़ता। और अगली बात एजुकेशन। अब जो एजुकेशन है, जो मिडिल तक एजुकेशन है, जो छोटी एजुकेशन है लोअर लेवल तक की है, वो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर है, हर प्रोविंस की अपनी है। लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो है फेडरल के अंदर। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं कि एक कोई बलोचिस्तान के कोई पसमांदा गांव का बच्चा और पंजाब के लाहौर के किसी स्कूल का बच्चा, देयर विल बी अ डिस्टिंक्ट फर्क होगा, डिस्टिंक्ट डिफरेंस होगा उनके दरमियान, कि उस बच्चे के सिर्फ बोलने के अंदाज में, उस बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस में, उस बच्चे के बात करने के अंदाज में, और वो बच्चा जो लाहौर के। तो और फिर वही जब हायर एजुकेशन में आके यूनिवर्सिटी लेवल पे आगे इकट्ठे आते हैं तो उन्हें आपस में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से ये जो है एक इशू है। इसके अलावा जो कोटा सिस्टम्स है, कोटा सिस्टम स्पेशली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं CSS वगैरह में, PMS वगैरह में या बाकी कॉम्पिटिटिव, उनमें कोटा जो है वो, जैसे CSS है, इसमें पंजाब का कैंडिडेट जो है इतने अच्छे नंबर लेके भी वो सिर्फ चूंकि कोटा पे नहीं आ रहा होता, मेरिट पे पूरा नहीं उतर आता है, क्योंकि वहां पे एज कम्पेयर उसके मुकाबले में जो बाकी प्रोविंसेज है उनके बच्चे होते हैं, तो पंजाब वाला हायर नंबर लेके भी पीछे रह जाता है और दूसरे वाले कम नंबर लेके भी मेरिट में ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो कोटा है, इट इज एज अ पिंचिंग प्रॉब्लम इन कॉम्पेटिटिव एग्जाम स्पेशली फॉर पंजाब कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 18th अमेंडमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस था। यहां तक आपको कोई मसला हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो वो आप पूछनी। इस तरह से अगर पेपर में आ जाता है तो आपने इस तरह से उसका एनालिसिस कर देने, डिफरेंट जो है परस्पेक्टिव से आपने उसे देख लेने, ठीक है। यहां तक कोई इशू हो तो आप पूछ। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? क्लियर है? अच्छा, कोटा सिस्टम जो है ये एक हवाले से ये ठीक है, अगर अगर जो है आप केपी के या बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनके है ना, और उनसे बिलोंग करें तो आपको लगेगा कि हाँ ये जस्टिफाइबल है, ये अच्छा है, ये होना चाहिए क्योंकि हमें मिलने चाहिए। तो लेकिन जो पंजाब वाले हैं उनके हवाले से देखा जाए तो ये इट इज लाइक अ बेईमानी, क्योंकि उन्हें नहीं है, हम एग्जाम हो सकते हैं आपके उतने नंबर इतने ज्यादा अच्छे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तला आ जाए कि आप मेरिट में आ जाए। तो ये सिर्फ एक कोटा सिस्टम, इस तरह अगर वेमेन का भी कोटा है तो ये भी फिर एक वो जेंडर बायसनेस आ जाती है, लेकिन स्टिल के उन्हें जाहिर सी बात है चाहिए होता है मेन स्ट्रीम में आने के लिए। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है, अब जो हम पढ़े हैं, दैट इज रीजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन, जो अभी हमें पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मिल रही है, उनकी क्या वजूहात है, किन बिना पर जो है हमारे हमें नजर आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। सबसे बड़ी वजह मिलिट्री इंटरवेंशन,
जब मिलिट्री इंटरवीन करती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्रोगेट हो चुका होता है। हमने देखा कि पाकिस्तान के केस में कितने मिलिट्री कूप्स लग चुके हैं, मिलिट्री मार्शल है 4 बार, यानी 4 बार जो है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा था किस किस ने एब्रोगेट किया था, एक बार ही सबसे पहले सिकंदर मिर्जा ने किया, उसके बाद जो है दूसरी बार यहिया खान ने किया, तीसरी बार जिया ने किया, चौथी बार जो है मुशर्रफ ने किया। यानी ये मिलिट्री इंटरवेंशन भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नजर आते हैं, क्योंकि फिर चूंकि जो मिलिट्री कूप्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाते हैं, एब्रोगेट हो जाते हैं। सेकेंड वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस जैसे इसके एक तो ये हो सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंट चेंज होता है गवर्नमेंट में, फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है गवर्नमेंट में, आपकी जो गवर्नमेंट है वो वीक है, वो शॉर्ट लिव्ड है, तो वो इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पब्लिक पे, अपनी आवाम पे। इसकी मिसाल आप देख लें, 2000 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, 13 प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं पाकिस्तान के, जबकि इंडिया के अगर देखें तो इसी अरसे में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ 3 आए हैं। तो अब आप खुद देख लें कि किसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत हाल बेहतर होगी, पाकिस्तान में जिसमें इतने सडन शिफ्ट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट बार बार तब्दील हो रही है, वीक है गवर्नमेंट, शॉर्ट लिव्ड है गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक वजह है कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस को एग्जेसरबेट करने। थर्ड आ जाते हैं हमारे पास कंफ्लिक्ट बिटवीन सिविल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से, अब हमें हमारे जो की इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पावर स्ट्रगल मिलती है, ताकत के लिए लड़ रहे हैं, हमें ताकत मिले, हमें मिले, जैसे हमारी एग्जेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, हमारी जुडिशरी है, हमारा लेजिस्लेचर है, तीनों जो है क्या कर रहे हैं, है सिविल इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये फाइट कर रहे हैं कि हमें ज्यादा पावर मिले। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, एग्जेक्टिव जो है ये है लॉ एनफोर्सिंग इंस्टीट्यूशन, लॉ को इसने क्या करने, इन्फोर्स करने, ये है जो जुडिशरी है इसने जज करना है, इसने एडजुडिकेट करना है कि आइदर कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो आपके कानून के खिलाफ हो। लेजिस्लेचर जो है ये लॉ मेकिंग जो है इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इनके सब ये सब क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के स्फीयर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं टू अटेन मोर एंड मोर पावर, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जब 2000 एग्जाम्पल है, जब 2007 में जो मुशर्रफ है वो री इलेक्ट होते हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और एट द सेम टाइम वो प्राइम मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वेश्चन करती है कि एक आप ओहदे पर हो सकते हैं एट ए टाइम, इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ठीक है, ये आप केस स्टडी दे सकते हैं। इसके अलावा जो और वजूहात हैं उनमें आ जाते हैं एथनिक एंड रीजनल टेंशंस, एथनिक एंड रीजनल टेंशन के ग्रुप्स के दरमियान जो है वो जब ये टेंशंस होती हैं एथनिक ग्रुप्स हैं डिफरेंट, पाकिस्तान में रीजनल ग्रुप्स हैं, बलोचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, फिर कोई एथनिक सेक्टेरियनिज्म है, तो ये एग्जेसरबेट करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, और जब किसी स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो ये कॉज करती है, धकेल देती है उस स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ठीक है, ये जो है ये एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं रीजनल ग्रुप्स, ये ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, ज्यादा एटोनोमी मांगते हैं, जिससे जो है आपके फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में मसाइल पैदा होते हैं। फिर जो हमारे पास आ जाती है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म
अच्छा, ये जुडिशियल एक्टिविज्म ये हम तब कहते हैं जब आपकी जो जुडिशरी है ये एक्टिव रोल लेना शुरू कर दे गवर्नेंस में। हालांकि जुडिशरी जो है उसका काम नहीं है कि वो गवर्नेंस में इंटरफेयर करे, लेकिन आपकी जब जुडिशरी है वो जैसे आजकल पाकिस्तान में भी हो रहा है वो अपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अपनाने की कोशिश करना शुरू कर दे, तो इसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये जो है ये फिर इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से टेंशन अराइज होती है एग्जेक्टिव के दरमियान और लेजिस्लेचर जो बाकी ब्रांचेस होती हैं उनके दरमियान, जुडिशरी वगैरह के दरमियान जो है फिर टेंशन अराइज होती है इस जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से। फिर आ जाते हैं हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस। अच्छा, जब किसी स्टेट में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है वो लीड करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ, प्लस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्योंकि इससे जो है सोशल अनरेस्ट ज्यादा होता है जब इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं और जो है गवर्नमेंट से लोग डिससेटिस्फाई होते हैं और फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं जैसे इसकी वजह से जब कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आ जाते हैं तो सिक्योरिटी होते हैं कंसर्न्स। फॉर एग्जांपल हमें जो है रिसेंट जो एग्जांपल मिलती है वो मिलती है हमें जड़ा वाला इंसिडेंट के, क्या हुआ था कि क्रिश्चियंस की जो कम्युनिटीज हैं जिनके चर्च है उनके घरों में जला दिया जाता है, नतीजा क्या होता है, ये एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का ये एक नतीजा है ना। तो ये जो है इस तरह ही हम पाकिस्तान में स्पेशली ये इतनी एक्सट्रीमिज्म देखते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं कि वो कितने नमाजें, उनमें से कोई आधे लोग भी नहीं अपने हकों जो असल उसके उनके फराइज हैं बीइंग अ मुस्लिम वो उनमें से आधे भी पूरे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें बस एक उन्हें हल्की सी हवा दे दी जाए कि इसने ये गुस्साखे रसूल, तो बस वो फिर उसके खिलाफ, यही प्रियंका कुमार के केस में हुआ, यही हमारे जो है बहुत बार हमें इसी तरह के केसेस मिलते हैं जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड होते हैं। और जाहिर सी बात है जब कोई स्टेट में इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो ये वजह बनती है कि स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो यही भी उसकी एक जो है वो मेन रीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की। अगली चीज आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब हमने अभी जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा जुल्फकार अली भुट्टो ने कितनी सारी अमेंडमेंट्स कर दी, तो ये जो बार बार की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और स्पेशली जो कंट्रोवर्गियल अमेंडमेंट्स होती हैं, जैसे कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हमने कंट्रोवर्गियल पढ़ी है, जैसे 8th अमेंडमेंट है, 8th अमेंडमेंट जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई, ठीक है, जिया ने 8th अमेंडमेंट का रिवर्सल होता है 13th अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट का फिर रिवर्सल हो जाता है 17th अमेंडमेंट, 17th का फिर रिवर्सल हो जाता है 18th अमेंडमेंट, यानी 8th में जो है पावर दी जाती है, 13 में फिर खींची जाती है, 17 में फिर दी जाती है, 18 में फिर खींची जाती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बार बार बिला वजह की होती हैं, ये भी एग्जेसरबेट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इलेक्टोरल कॉन्ट्रोवर्सीज। कॉन्स्टिट्यूशन युग तो ये कहते हैं ना कि वक्त पे इलेक्शन करवाओ, वक्त पे जो है जो भी आपके बाकी हैं तो कंपलियंस वगैरह वो पूरी करो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो डिस्प्यूट्स होते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं है, इलेक्शन जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। इसकी एक जो अभी पाकिस्तान की है डिलेड इलेक्शंस भी इसकी सूरत हाल है, अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में चलेंगे इलेक्शंस, पता नहीं होते हैं या तब भी नहीं होते, ठीक है। ये इसके बारे में कहा जाता है जैसे वो है ना, ये एक तरह से यही है ना कि लोगों से डेमोक्रेसी का हक जो है वो खींचा जा रहा है, तो डेमोक्रेसी डिलेड, जैसे वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है ना, तो डेमोक्रेसी डिलेड इज डेमोक्रेसी डिनाइड, ये कहा जाता है इसके बाद। तो ये कुछ जो थी वो मेन रीजंस थी जिनकी बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो एग्जेसरबेट होते हैं। आज के लेक्चर में हमने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस किया, सब अमेंडमेंट्स को देखा, उनके मेन फीचर्स को देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 18th अमेंडमेंट जो है उस पर क्यों क्रिटिसिज्म होती है, ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये डिस्कस किया, और एंड पे हमने जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उनकी जो वजूहत है वो डिस्कस।